खेल के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बिकॉज़ आज का मैच इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि आप एंड तक देखोगे आपको खुद मज़ा आएगा, क्योंकि एक बॉल पे मुझे 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए और ये मैच ड्रॉ भी हुआ। ड्रॉ मोमेंट देखना और ड्रॉ मोमेंट को हमने कैसे विन किया। मैं हार कर भी आज ये मैच जीता। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा क्या क्या हुआ था। तो चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, लाइक करो। यहाँ पे मैंने पहली बॉल काबिली के साथ रखी थी। मैं जितनी बॉल आज रखूँगा सारी काबिली के साथ रखूँगा, बिकॉज मेरे कमेंट में किसी ने बोला था कि काबिली की ट्रिक बताओ। तो काबिली तो अगर मैं बात करूँ तो काबिली की ट्रिक ज़्यादा सही नहीं है। अगर काबिली की बॉल ना हमेशा एक स्लो बॉल रखना, जैसे मैंने स्लो बॉल पर 2 रन दिए इसको, तो स्लो बॉल तो काम कर जाएगी। अब इसको थोड़ा मीडियम पेस से हल्की सी स्पीड कम देते हैं। लो इस पे मैंने 6 खा लिया। अगर मैं बिगनर्स की बात करूँ तो यहाँ पर तो मेरा 6 आ रहा है, बट बिगनर्स की बात करूँ तो बिगनर्स वाले पता है कौन सा इंडिकेटर लेना, स्काई ब्लू कलर वाला, यही चॉइस करना। स्काई ब्लू वाला कलर चॉइस करोगे तो बिगनर्स के लिए रन कम आएंगे, ठीक है। अब मैंने थोड़ा पेस से हल्का सा ऊपर गया था, नॉर्मल थी पेस, ज़्यादा पेस नहीं थी, अच्छा स्विंग हुई तो 3 रन मिले इसको, बाउंड्री नहीं मिली। तो यहाँ पर 3 बॉलों में 11 रन आ चुकी है, अभी 3 रिमेनिंग बॉल्स बची हैं, देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे अगर बिगनर्स है, सुन लो, अगर उनके पास काबिली बॉलर है वो स्काई ब्लू कलर वाला इंडिकेटर चॉइस करना, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई पेस स्विंग होगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास प्लेयर है वो इक्वल प्लेयर है लाइक, तो यहाँ पे मैं वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरी रैंक तो अबव है ना, तो मुझे अबव रैंक का मिलेगा, लेकिन बिगनर्स वालों को उनकी रैंक के हिसाब से ही प्लेयर्स मिलते हैं, ठीक है। अगर उनके पास काबिली बॉलर है तो वो स्काई ब्लू कलर वाला इंडिकेटर लेना, नहीं तो उस पर 6 लग रहा है ना तो स्लो ले लेना, ये 2 रखना, ठीक है। नहीं तो अगर आपके पास जेम्स है तो जेम्स भी बढ़िया है, अगर भास्कर है तो भास्कर की ट्रिक्स बता रखे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर 5 बॉलों में 23 रन आ चुके हैं, आखिरी की बॉल बची है, मैं चाहता हूँ इसमें रन नहीं आए, जितना हो सके रन कम खाऊं, तो इसमें रन कम आए तो 4 आ ही गया फाइनली। आज मैंने जितनी बॉल रखी काबिली के साथ रखी थी, क्योंकि एक प्लेयर एक कमेंट में मुझे किसी ने बोला था कि सर काबिली से रिलेटेड ट्रिक्स बताओ, तो ये बिगनर्स के लिए काम करेगी, बट जो अगर आप एक्सपर्ट लेवल में आ रहे हो तो उनके लिए काबिली ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है मेरे हिसाब से बात करें तो। तो अब यहाँ पे मेरी बारी आ चुकी है, 6 बॉलों में मुझे 27 रन चाहिए, देखते हैं क्या होगा। पहली बॉल यहाँ पे बाउंड्री लेने की पूरी कोशिश थी बट बाउंड्री नहीं मिलेगी, उसको 2 रन मिले थे तो मुझे 3 रन मिले यहाँ पे, उसके 3 बॉलों में 11 रन थे, तो मेरी कोशिश है उससे थोड़ा सा आगे जाने की। तो यहाँ पे पहली बॉल पे 3 रन मिला मुझे, भास्कर ये लेके चल रहा है, और ये बॉलर हमेशा बॉलर चेंज भी करेगा, बॉलिंग स्पीड देखो चेंज कर रहा है। अब ये देखो उसने स्विंग डाली है, स्विंग बॉल डाली थी और मैंने आसानी से वहीं पे खेल दिया 6। 2 बॉलों में मेरे 9 रन आ चुके हैं, मुझे इसको थोड़ा सा क्रॉस करने के लिए थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। अब भास्कर ये चॉइस कर रहा है तो मैं थोड़ा समझदारी से खेलूँगा, लेफ्ट हैंड साइड कोशिश करूँगा शॉट लेने की। इसने जो स्पीड रखी थी स्लो रखी थी, शुक्र मैंने शॉट बॉल को आने दिया, हल्का सा वेट करता ना तो सीधा विकेट चली जाती। तो यहाँ पे मुझे एक बाउंड्री मिल गई, 2 रन मैं इससे अभी भी आगे चल रहा हूँ, इसके 3 बॉल में 11 रन थे, तो 2 रन हम आगे आ चुके हैं। एंड तक बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को। तो यहाँ पे अब 4 एक और 4 मिलता हूँ आपके भाई को, 4 बॉलों में 17 रन मेरे खाते के अंदर आ चुके हैं, मुझे 2 बॉलों में 10 रन चाहिए, देखते हैं इसमें क्या होगा इस आखिरी बॉल में, क्योंकि मुझे मैंने आपको बताया था एक बॉल में मुझे 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए। यहाँ पे कोशिश है मेरी, 4 फाइनली 4 तो आया, चलो यार 6 नहीं आया, बट 6 आ जाता थोड़ा मज़ा आ जाता, क्योंकि इसके 23 रन थे आपको पता होगा, क्योंकि अब 2 रन मैं पीछे हो गया, अब मुझे जीतने के लिए 6 रन चाहिए ही चाहिए, सॉरी टाई करने के लिए, जीतने के लिए तो 7 रन चाहिए, जीतने के लिए मुझे टाई करने के लिए 6 रन चाहिए। ओ फाइनली 6 आ गया, तो ये मैच ड्रॉ हो गया, चलो यार जीता नहीं तो मैं लाइक हारा भी नहीं तो इक्वल रहा ड्रॉ। अब मेरा ये रहेगा कि ये मैच मैं जीत के ही दिखाऊं, देखते हैं हाई स्कोर विंस बता रहा है, देखते हैं क्या होने वाला है इसमें। यहाँ पे मैं किसको लूँ, राजेश को लेके देखते हैं, राजेश को ही फिक्स करूँगा यार, राजेश को इसको बॉल नहीं दी ना तो राजेश को लेके चलूँगा, लास्ट तक कंफ्यूज कर रखूँगा, बॉलर नहीं बताऊँगा। अब एक पे राजेश दिख दूँगा, और जो गुगली रखूँगा 12.7 डिग्री के रख रहा हूँ, अच्छी स्पिन होगी, बट यार इसने अच्छी स्पिन पे भी बाउंड्री लगा दी, मेरे ऊपर एक और बर्डन, चलो कोई नहीं, आखिरी बॉल पे मुझे जीतने के लिए 6 रन चाहिए अभी भी, सॉरी 5 रन चाहिए जीतने के लिए, मेरी कैलकुलेशन पता नहीं क्यों ख़राब हुई है, आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए जीतने के लिए,
ओ भाई ये 9 बॉल हो गई भाई, ये 9 बॉल हो गई, पहली बॉल 9 बॉल के साथ भाई इक्वल कर दिया मैंने स्कोर। यार थैंक यू भाई, 31-31 इक्वल हो गए। अब मुझे आखिरी बॉल में देखना है, एक रन ही लूँगा मैं, ज़्यादा बाउंड्री लेने की कोशिश नहीं करूँगा यार, आउट हो गया तो कैच आउट हो गई तो भाई आराम से ले शॉट आराम से। लो मैच जीत गया फाइनली मैं। इसी के साथ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, और फाइनली हम मैच जीत चुके हैं। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछो, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके बाय दोस्तों।